नमस्कार दोस्तों, स्टैंड अप जासूस फिर से बहुत सारी तो नहीं पर काफी जरूरी इंपोर्टेंट अपडेट लेकर आ गया है कॉमेडियस कम्युनिटी से, तो वीडियो क्लास तक जोर से देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुभव सिंह बस्सी के बारे में। फाइनली बस्सी का नया स्टैंड अप वीडियो आ चुका है जिसमें यूजीसी और बहुत सारे कॉमेडियस भी रिएक्ट किए, उसके बारे में बात करेंगे। तो बस्सी का जो नया वीडियो है वो यूपीएससी के ऊपर है जिसमें 1.1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं 4 घंटे के अंदर और एक दिन में लगभग 5 मिलियन व्यूज भी हो जाएंगे। वीडियो को डालने से पहले बस्सी काफी ज्यादा नफरत थे तो इंस्टा में काफी ज्यादा स्टोरीज भी डाल रहे थे इसको बताने के लिए। सबसे पहले वो पोस्ट किया, वीडियो डाल रहा हूं, उसका दो लिखे 38 मिनट की है, संभाल लेना, इतनी लंबी वीडियो किसी ने कभी नहीं डाली है, तुम्हारे ऊपर 20 नवंबर 2017 को पहली बार इसी जोक से स्टैंड अप शुरू किया था, यूपीएससी की तैयारी के ऊपर देख लेना। चीयर्स। उसी पर पूर्व गुप्ता रिएक्ट किया, ऑफिसर भी है बस्सी, बहुत ही प्यारा बेटा है एंड देश को तुम्हारी सच में जरूरत है। जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया वीडियो जाके देखें। उसका बस्सी रिप्लाई किया, थैंक यू सर जी। उसका चैनल स्टोरी डालकर लिखा, मस्ट वॉच बी ए बस्सी न्यू वीडियो। उसको बस्सी रिप्लाई किया, थैंक यू मेरा भाई। उसका गुलिन पर लिखी, लुक हु इज बैक, पूरी वीडियो देखना, 38 मिनट एकदम किलर है, बी ए बस्सी वेल डन ऑफिसर। अभिषेक उपमन्यु लिखे, 38 मिनट की वीडियो है, पूरी देखना, ये स्टोरी स्पेशल में नहीं थी, बहुत मजेदार फ्लो बाय बी ए बस्सी, फिर से अति करके रखी है इसने बकचोदी की। उसका बस्सी रिप्लाई किया, थैंक्स भाई आ गई है वीडियो, देख लो पूरी देखना वीडियो जैसा भाई ने बोला। तो आप भी अभी तक नहीं देखे हो तो इस वीडियो खत्म करने के बाद बस्सी का वीडियो जरूर से देखना। तो अब अगली अपडेट जाकिर खान से जुड़ी हुई है। तो जो चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ उस पर जो यूट्यूब रिएक्ट किया वो जाकिर खान का एक मीम डालकर रिएक्ट किया, तो ये वाला पोस्ट डाले थे जाकिर खान को टैग करके, चंद्रयान 3 इज हैपनिंग, मूवमेंट है भाई मूवमेंट है ये वाला मीम। तो अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं जो समय रैना के बारे में। तो समय रैना का सबसे पहला स्टैंड अप वीडियो कैसा था और कैसा उसका रिएक्शन था उसके बारे में समय एक बात करे एक वीडियो। तो आप लोग पता ही होगा किसी भी स्टैंड अप कॉमेडी या फिर कोई भी चीज के लिए सबसे पहला चीज जो आप सब शुरू करते हो तो बहुत ही खास होता है। उस समय आप उतना ट्रेंड नहीं रहते और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो उस टाइम को देखते हो तो बहुत ही मजा आता है कि इतना खराब करते थे। तो समय इसी के बारे में बात करते हुए ये बताया कि कोई स्कूल या फिर कोई फंक्शन था उसी में होस्ट कर और निशांत तनवर अमित टंडन से बड़े कॉमेडियंस का जोक भी कॉपी करके स्टैंड अप कॉमेडी करते थे और बहुत ही भयानक कॉमेडी करते थे उस टाइम पे। तो आप भी देखो क्या बोले वो। इज दिस योर फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस? Yes, this is my first ever stand-up performance. I was the MC, I was the anchor, I had to do some stand-up. So I had no idea of stand-up back then. I used to just watch some stand-up, but I had मेरे को करना नहीं आता, तो मैंने सीधे उनके जोक चुराए थे, सीधे अमित टंडन के जोक, थोड़े निशांत अनवर के जोक, सीधा कॉपी पेस्ट। अच्छा, same. थोड़े, हाँ. सीधा सेम टू सेम अभिषेक उपमन्यू, सीधा कॉपी और डंप पेस्ट, एक दो लाइन यहाँ वहां से डाल दिया था एंड आई जस्ट स्टेज पे चढ़ गया था और मस्त किल किया था, मस्त किल, आई वाज लाइक कॉमेडियन। बट यू ऑलवेज हैड द कॉन्फिडेंस ना, मतलब बात करने का आप में, यू आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट। अब अगली बट कुलीन पन्नू और आशीष सोलंकी के बारे में। पिछला सीजन कोमिस्तान के विदन रनर अप और फाइनलिस्ट थे तो 1 ईयर उस कोमिस्तान के सीजन को हो चुका है, उसी का 1 ईयर सेलिब्रेशन वाला पोस्ट डाले दोनों जन इंस्टाग्राम में, उसी के बारे में बात करते हैं। तो गुरलीन पन्नू ट्रिब्यूट वीडियो टाइप का डाले, वीडियो देखेंगे उससे पहले क्या लिखे हुए डालकर वो देखते हैं। गुरलीन लिखते हैं, यस आज 1 ईयर कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच फॉर इंडलेस लव एंड सपोर्ट यू गाइस हैव शोन, बिग थैंक यू फॉर कृति गोगिया, ऑल द जजेस, मेंटर्स, होस्ट एंड कंटेस्टेंट्स फॉर द एंडिंग मी, स्टे ट्यून्ड, मच मोर टू कम। तो ये जो छोटी ट्रिब्यूट वाली वीडियो है वो भी देख लो आप, काफी फनी है और काफी अच्छी वीडियो है। सो प्लीज वेलकम द फनीएस्ट, माय फेवरेट एंड द वेरी टैलेंटेड गुरलीन पन्नू। सर मैं बैंक पीओ की क्लासेस का बहाना मार के कॉमेडी शोज पे जाती हूँ। सीसीटीवी लगा, सीसीटीवी इज अंडर माय सर्वेलेंस एंड कैन यू प्लीज ट्रिगर मत होना, ये जो आवाज आती है इसको लाफ्टर कहते हैं, नहीं सुना होता। दूसरा यार गुरलीन, यू आर अ स्टार मैन, इतना रॉ, ऐसा शार्प एज ना कि वो आपने खोद के निकाला डायमंड पर वो ऑलरेडी कट है, वैसा वाला है गुरलीन के बारे में। उसका आशीष सोलंकी तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल ट्रेकिंग किए कुर्ग में, इसका वीडियो डाल के इंस्टाग्राम में लिखते हैं, सेलिब्रेटेड 1 ईयर ऑफ कॉमिकस्तान, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट, इनका भी एक वीडियो पार्ट देख लो आप। तब अगली अपडेट के बारे में बात करें जो कुल्लू बाजी के बारे में। तो कुल्लू के साथ कल एक बहुत ही फनी सीन हो गया, तो वे जो अपने घर जा रहे थे काम खत्म करके कैब में, तो कैब में अपना लैपटॉप ही भूल गए, तो जिसके बारे में बताते हुए इंस्टा में स्टोरी डालकर क्या लिखे, वे लिखे खत्म दिन, सब कुछ निपटा दिया, बेहतरीन मजे, लैपटॉप छूट गया पुणे वाली कैब में, कल मिलेगा बाकी सब सो, थैंक्स फॉर टर्निंग इन कुल्लू आउट। तो भाई बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा छोटा छोटा घटना होते रहता है। तो आज के लिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करने बाद घंटा दबाना मत भूलना लगातार ऐसी कॉमेडी से जुड़ी अपडेट पाने के लिए, और तुम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।